जय हिंद, मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन। आप सब मुझे आज कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुमने आज गुवाहाटी का जो रिव्यू है या फिर एयरफोर्स का जो रिव्यू है वो अभी तक क्यों नहीं दिया। तो सबसे पहले इस बात के लिए मैं आप सबसे सॉरी, ठीक है, दिल से सॉरी बोलता हूँ कि मैंने अभी तक नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया ये भी बताऊँगा और कब तक दे दूँगा ये भी बताऊँगा। तो अभी अपडेट आई है लेकिन थोड़ी सी आई है, उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको उतना लाभ कुछ होगा नहीं, ठीक है। व्यूज़ आ जाएगा मुझे लेकिन आपको उतना कुछ लाभ होगा नहीं। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अभी शायद जैसे 9 बजे में देरी है, ठीक है, तो लगभग 9:30 से पहले अगर अच्छा से एक अच्छा देने लायक कुछ चाहिए ना ऐसी कुछ ऐसे ओपन करके बोल दूँ तो 9:30 तक अगर आ गया कुछ तो मैं एक वीडियो दे दूँगा या फिर रात तक मैं दे दूँगा, ठीक है। एक आदित्य भाई है और एक आकाश भाई है, ये दोनों ने मुझे रिव्यू भेजेगा क्योंकि आज ये दोनों का है गुवाहाटी। ये लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी था तो ये लोग मुझे बताएगा। सबसे पहले मैं आता हूँ कि मैंने आज जो फेस टू का रिव्यू है वो अभी तक क्यों नहीं दिया। अगर मुझे मिल भी जाता फिर भी मैं नहीं दे पाता, क्यों? मेरा जो मैटरनल अंकल है, ठीक है, एक लोकल में एक छोटा सा जंगल जैसा है, ठीक है, वहाँ पर लगभग 1.5 से 2,000 पेड़ है। वहाँ पर हम लोग रनिंग करते हैं, पुशअप मारते हैं, मतलब जगह में सब हर कोई आके वहाँ पर जो मोहल्ला के जितने भी आदमी है वहाँ पर आके अपने बैठते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं, ठीक है, ऐसा चीज़ होता है। तो कुछ लोग धर्म के नाम पर इलीगली वहाँ पर पेड़ काटने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे मैटरनल जो अंकल है वो एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, उनके यूट्यूब में भी चैनल है, 33,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो उसको मेरे मामा को जब वहाँ के लोकल लड़कों ने मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा आप आके यहाँ पर रोकिए, तो मेरे मामा ने वहाँ पर जाके वीडियो बनाई, उसे लाइव छोड़ी और वहाँ के जो लोग थे उन सब से बात करने की कोशिश की। बात के इतना नतीजा आया कि ठीक है कल मीटिंग करते हैं, उसके बाद बात हो जाएगा। अब क्या हुआ, मेरा भी कॉलेज का एग्ज़ाम था, मैं खुद काशीपुर गया था, तो उस बात पे जो मेरे मैटरनल अंकल है उसने प्रोटेस्ट किया था। तो उसका नतीजे ये निकला कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आया, घर में सोया हुआ था, तब मेरी जो दादी है वो अचानक से आई और कह रही कि तुम्हारे मामा से झमेला करने 4-5 लोग आए हैं। मैंने भी निकला वहाँ पर तो देख रहे कि हाँ 4-5 आदमी आए हैं, मेरे मामा को खोज रहे हैं। और जब आया तो वो लोग बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे, हाथापाई नहीं हुई, ठीक है, झगड़ा करने लगे इतना थोड़ा सा करके। जब हमने लाइव करने को कोशिश की यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं मत करो, तुम नहीं कर सकते ऐसा। उन लोगों से जब पूछा गया था कि आपके पास परमिशन है, अगर परमिशन रहता तब तो कोई कुछ नहीं बोल पाता। तो उसने कहा कि हाँ परमिशन है। मैंने कहा दिखाओ, कह रहा DM परमिशन देता है। जंगल काटने को DM क्यों परमिशन देगा, वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर का काम है ना। तो ऐसे से करके एक छोटा मोटा झमला हुआ। फिर से वहाँ पर हम लोग गए, मेरे कोचिंग के जितने लड़के थे 50-60 सब वहाँ गए। वहाँ पर जाकर फिर से वीडियो हुआ, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश किया गया और हमारे ऊपर जो हुआ एक स्टेप, एक अच्छी स्टेप लेने से उसके बारे में आसपास जितने लोकल है हर जगह में बताया गया वो चीज़। बाद में कहते हैं ना कि हार्डवर्क पेज ऑफ, तो ये जो हम लोगों ने जो किया, ठीक है, ये उसी टीम, इसके माध्यम से क्या हुआ कि सुबह में जो स्टेट का जो बंद दफ्तर है उसमें एक मेल भेजा गया था, थैंक्स टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कि काफ़ी जल्दी एक्शन लिया गया, फॉरेस्ट से लोग आए, फॉरेस्ट वहाँ पर इंक्वायरी की और उनमें से एक आदमी को अभी तक पकड़ा गया है और जो लकड़ी काट के रखा गया था वो भी सीज किया गया है। तो बस यही आज जो हुआ, अभी हम लोग वहीं से आए तो इसलिए मुझे ना वक्त मिला है ना कुछ, और अभी मेन बात है रिव्यू भी नहीं मिला, और रिव्यू अगर मिल भी जाता तो मैं इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बस इतना ही था, ठीक है। आप लोग भी अगर आसपास में कहीं देखे कि इलीगल काम हो रहा है तो अगर आपकी माध्यम में हो, आप उसको इतना कैपेबल हो कि उसे रोक सके तो उसे ज़रूर रोकिए, ठीक है। जय हिंद।